हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें जैसे हमने विश्व की जनजातियों का अध्ययन किया था, तो आज हम भारत की जनजातियों का अध्ययन करेंगे। भारत में देखो कुल 700 से अधिक जनजातीय समूह पाए जाते हैं। 700 से अधिक जनजातीय समूह भारत में पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के भौगोलिक वातावरण में रहते हैं और अपने अपने विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्कृति को बनाए हुए हैं। जनजातीय संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में पर्याप्त आगे बढ़ चुकी है, जो कुछ वर्तमान में भी अपनी जनजातीय विशेषताओं को संजोए हुए हैं। हालांकि जो जनजाति होती है, इनका महत्व जनसंख्या की दृष्टि से भी नहीं देखा जा सकता है। जैसे टोडा जनजाति है तमिलनाडु की, वो जनसंख्या में बहुत ही कम है, मगर जो विद्वान है, मानव शास्त्री है, उनके आकर्षण का वो केंद्र है। उसके अलावा भारत में पाई जाने वाली एक और जनजाति है, मतलब भारत में पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी जनजाति है जो कि गुफाओं में रहती है, उस जनजाति का नाम है रानी। ठीक है, इसमें देखो जो जनजातियां होती है उनका जो निवास स्थान होता है वो पहाड़ों में, पठारों में और वनों में होता है। ये जनजातियां अपना जो निवास स्थान है इन दुर्गम क्षेत्रों में ही बनाती है, क्योंकि ये जो जनजातियां हैं वो ये आम लोगों से दूर रहना पसंद करती है और जो आधुनिकता है उससे भी दूर रहती है। ये जो प्राचीन इनके रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, उन्हीं को ही ये संजोए हुए हैं। और जो जनजातियां हैं उनकी जो जनसंख्या भारत में 8.5 करोड़ है। जो जनजातियां हैं भारत में उनकी जनसंख्या 8.5 करोड़ है। लेकिन स्वतंत्रता, मतलब आजादी के बाद भारत सरकार ने इनके विकास के लिए बहुत से योजनाएं चलाई है और बहुत से कार्यक्रम शुरू किए हैं। अब आदिवासियों को शिक्षित भी किया जा रहा है, कुछ आदिवासी समाज की मुख्य धारा में जुड़कर खनन कार्य करने लगे हैं, जैसे भील है, संथाल है, खनन कार्य करते हैं। कुछ जैसे असम की जनजातियां हैं वो वहां पर चाय चुनने का कार्य भी करती है। जो भारत के जनजातीय प्रदेश है, देखो उन्हें 4 जनजातीय प्रदेशों में बांटा गया है। भारत के जो जनजातीय प्रदेश है उनको 4 क्षेत्रों में या 4 भागों में बांटा है। पहला है उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी प्रदेश, सेकेंड है मध्यवर्ती प्रदेश, थर्ड है दक्षिणी प्रदेश और फोर्थ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनजातीय प्रदेश। तो ये 4 प्रदेशों में जो जनसंख्या है, जनजाति की जनसंख्या है, उसे बांटा गया है। इसके अलावा जैसे जो जनजातियां हैं पर्वतीय क्षेत्र में रहती है, पठारी क्षेत्र में रहती है और मैदानी क्षेत्र में रहती है, उसके अनुसार भी इनका वर्गीकरण किया गया है। अब जैसे पर्वतीय भाग में रहने वाली जनजातियां, पर्वतीय भागों में रहने वाली जनजातियां, देखो इनमें है नागा, गुज्जर, नागा जनजाति है, गुज्जर है, खासी और टोडा, खासी और टोडा जो जनजाति है ये पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। फिर आते हैं ये जनजातियां पठारी भाग में रहने वाली, पठारी भाग में रहने वाली जनजातियां, इसमें है
गौंड जनजाति, फिर है मैदानों में रहने वाली जनजातियां। देखो मैदानों में भील और संथाल जनजाति रहती है, भील और संथाल, ये जो जनजातियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में रहती है। पर्वतीय क्षेत्रों में नागा है, गुजर है, खासी है और टोडा है, और पठारी क्षेत्रों में टोडा है, उसके बाद मैदानी क्षेत्र है उसमें भील और संथाल जनजातियां रहती है। तो हम आज जो गोंड जनजाति है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गोंड जनजाति है इसका अध्ययन हम करेंगे। गोंड जनजाति, तो ये जनजाति है, ये देखो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। उसके अलावा छिटपुट है ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन भागों में भी पाई जाती है, मगर जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है ये इसका मुख्य निवास क्षेत्र है। इस जाति की एक ये विशेषता है कि ये जो जनजाति है जनसंख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे अधिक जनसंख्या इसी जनजाति की है और ये भारत के सर्वाधिक प्रमुख जनजाति है और भौगोलिक दृष्टि से यह व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है। इस जनजाति का देखो इतिहास यह है कि ये जो जनजाति थी एक समय ऐसा था कि यह जनजाति का एक राज्य हुआ करता था, एक क्षेत्र विशेष पर यह जनजाति राज करती थी। जैसे मुगलों के काल के बाद जब मराठाओं ने हमला करके इस जनजाति, मतलब उस समय तो यह जनजाति नहीं थी बल्कि इसका एक राज्य था, गोंड जनजाति को मराठा ने हरा दिया, उसके बाद ये जो जनजाति है अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए पठारी प्रदेशों में यानी ऊंचे पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में चली गई और फिर वहीं पे रहने लगी। इस जनजाति का जो शासन का अंत है 1760 में हुआ जब मराठाओं ने इस प्रदेश में अपना आधिपत्य स्थापित किया था, यानी मराठाओं ने इनका जो आधिपत्य है वो 1760 में समाप्त कर दिया था। तो उसके बाद यह जनजाति 1760 से ही लगातार पठारी प्रदेश में रह रही है जो कि निर्जन क्षेत्र होते हैं और किसी भी बाहरी लोगों से ये मिलना जुलना नहीं है, तो ये मुख्य धारा में वापस नहीं आ पाई ये जनजाति और आदिम तरीकों से ही ये रहती है। जो मुसलमान लेखक है वो इनके क्षेत्र को गोंडवान कहते हैं, जहां गोंड जनजाति जो रहती है उसके क्षेत्र को जो मुसलमान लेखक है वो गोंडवान कहते हैं। इसमें देखो जनजाति है तो बताते हैं इसका थोड़ा, यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या में यानी ये जो जनजाति है इसकी सबसे अधिक जनसंख्या है भारत में अन्य जनजातियों की तुलना में। मराठों द्वारा 1760 में यह पराजित हो गई थी, तो मराठों ने इसे पराजित कर दिया था और इनका जो शासन है उसका अंत कर दिया था। और जो मुस्लिम लेखक है मुस्लिम लेखकों ने इनके क्षेत्र को
गोंडवान कहा है, जहां यह जनजाति रहती है उस क्षेत्र को गोंडवान कहा है। तो इस जनजाति में सबसे पहले इसकी शारीरिक संरचना लिखते हैं अपने, शारीरिक संरचना। तो उससे पहले देखो ये दो जनजाति है, देखो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक निवास है इनका, और बल्कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक निवास है इसका गौंड जनजाति का। अब शारीरिक संरचना में देखते हैं कि इनका जो कद है वो 5.5 मीटर होता है, त्वचा का रंग काला होता है, इनकी जो त्वचा का रंग है वो काला होता है, और इनके जो बाल हैं काले होते हैं, दाढ़ी के ऊपर मूंछों में बाल बहुत कम होते हैं, इनकी जो नाक है बड़ी और फैली हुई होती है, शारीरिक गठन संतुलित होता है, ये देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं होते हैं, इनके होंठ मोटे होते हैं। ये तो था पुरुषों में। इसके बाद देखो इन स्त्रियों की बात करते हैं, तो स्त्रियों का जो रंग है वो पुरुषों की तुलना में कुछ साफ होता है, मतलब उतना काला नहीं होता है, कुछ साफ होता है, और स्त्रियों का जो कद है वो पुरुषों की तुलना में कम होता है। तो ये था गौंड जनजाति का शारीरिक संगठन। उसके बाद देखो इस जनजाति का निवास क्षेत्र है, निवास क्षेत्र है इसका सबसे अधिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह निवास करती है। उसके अलावा यह जनजाति आंध्र प्रदेश के पठारी भाग में और दक्षिण में गोदावरी नदी तथा उत्तर में विंध्याचल तक फैली है। छत्तीसगढ़ में विशेषकर बस्तर पठार में इनका मुख्य वर्ग, इनके वर्ग है अलग अलग, जैसे मारिया, मूरिया, परजा, भटरा, हबला और ढोकर है। आंध्र प्रदेश में गंजम और विशाखापट्टनम जिलों में सावरा वर्ग तथा पुरुष और केवट वर्ग के गौंड रहते हैं। तो इस जनजाति के अलग अलग उपजातियां हैं, इनके अलग अलग वर्ग हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं। उसके बाद इनके वस्त्र और आभूषण का अध्ययन करते हैं। वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और आभूषण। अब इन लोगों को देखो शरीर गोदना पसंद है, शरीर गोदना यानी जैसे आजकल के समय में जैसे टैटू बनाते हैं वो वाली चीज, जैसे पुराने लोग क्या करते हैं शरीर गुदवाते थे, शरीर पे अपना नाम लिखवाते थे, या किसी तरह की कुछ आकृतियां बनवाते थे पक्षियों की, फूलों की, पत्तियों की। तो इस जनजाति में स्त्री हो या पुरुष हो वो शरीर पे गोदना या टैटू बनाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उसके अलावा ये जो लोग हैं सूती वस्त्र पहनते हैं, जो सूती वस्त्र होते हैं ये बाजार से लाते हैं और सिलाई का काम ये खुद ही करते हैं। उसके अलावा ये भेड़ और बकरी पालन करते हैं, इनसे प्राप्त जो ऊन होती है, जो बाल होते हैं उससे भी ये अपने वस्त्र स्वयं बनाते हैं। स्त्रियां क्या करती हैं, मूंगे और नकली मोतियों की माला बनाती है, ठीक है, माला बनाती
और चांदी की बालियां भी पहनती है। एल्यूमिनियम और चांदी की बालियां पहनती है। उसके बाद इनके औजार एवं उपकरण देखते हैं। औजार और उपकरण, औजार और उपकरण, औजार और उपकरण में देखो इनके एक लोहार होता है, ठीक है, वो ही सारे औजार और उपकरण बनाता है। औजार और उपकरण बनाता है, जो लोहार होता है वही औजार और उपकरण बनाता है। जैसे कृषि कार्य के लिए जो कृषि कार्य करते हैं उसके लिए खुरपी, हल, धनुष, धनुष बाण, कुल्हाड़ी आदि जो भी वस्तुएं होती है वो लोहार के द्वारा बनाए जाते हैं। लकड़ी का सामान ये स्वयं भी बना लेते हैं। लकड़ी का जो सामान है ये जनजाति ये स्वयं बना लेती है। उसके बाद देखो इनकी सामाजिक व्यवस्था आती है। सामाजिक व्यवस्था इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यवस्था, देखो सामाजिक व्यवस्था में ये पितृ प्रधान समाज है इनका, पितृ प्रधान समाज है गौंड जनजाति का, और इसमें पिता की मृत्यु के बाद जो पिता की संपत्ति होती है उस पे अधिकार पुत्रों का होता है और जो पुत्रियां होती है उनका कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है, उनको संपत्ति में जो पुत्री होती है उसको संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता, मगर आजकल कंडीशन अलग है, ठीक है, आजकल जो पुत्री पुत्र हो चाहे पुत्री हो उसका जो हक पिता की संपत्ति में होता है, लेकिन इस जनजाति में यह चीज नहीं है। इसके अलावा इनका जो परिवार की इकाई को देखो, इनकी परिवार की इकाई को भाई बंद कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, भाई बंद कहते हैं। परिवार इनका संयुक्त होता है, संयुक्त परिवार, ठीक है। अब कुछ चीजें देखो बताने की जरूरत नहीं रहती है, वो इतने समय से ये जनजातियां पढ़ते आ रहे हैं, विश्व की जनजातियां पढ़ रहे हैं और भारत की जनजातियां पढ़ रहे हैं। अब जैसे परिवार संयुक्त है तो मुखिया कौन होगा, घर का या बुजुर्ग होगा या फिर पिता होगा, ये जो कुछ ऐसी चीजें है वो बार बार रोटेट होती रहती है, बार बार वो आती रहती है ना। तो इनकी परिवार की इकाई को भाईबंद कहते हैं, और जो बड़ा बुजुर्ग होता है वो मुखिया होता है परिवार का, जो स्त्री होती है वो अधिकार से वंचित रहती है, उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है स्त्रियों को इस जाति में। उसके अलावा इनमें देखो अलग अलग विवाह के नियम है, अलग अलग विवाह होते हैं इसमें, जैसे सेवा विवाह, हरण विवाह, फिर विनिमय विवाह, विनिमय
विवाह, उसके अलावा देखो विधवा विवाह भी होता है, मकली विवाह, विधवा विवाह, मकली विवाह, तो ये विवाह के प्रकार है। इस जनजाति में ये अलग अलग तरह के विवाह होते हैं। अब देखो जो सेवा विवाह है उसमें क्या होता है, जो लड़का लड़की के घर पर 2 से 5 वर्ष तक रहता है, ठीक है, 2 से 5 वर्ष तक जो लड़का होता है वो लड़की के घर पे रहता है विवाह से पहले, ठीक है। और ये क्या करता है, देखो सेवा विवाह लिखा है, तो ये क्या करता है, लड़की के घर पर उसके जो पिता, लड़की का जो पिता होता है उसके कार्य में हाथ बटाता है, जैसे कृषि कार्य करना, ठीक है। जो सेवा विवाह में जो लड़का होता है वो लड़की के घर पे उसके पिता का काम करता है, जैसे खेतीबाड़ी का काम करना, कुछ पशु है उसका काम करना। 2 से 5 साल तक वो कठिन परिश्रम करता है, उसके पश्चात उन लड़के और लड़की का विवाह कर दिया जाता है। ये इस यहाँ एक परंपरा है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो जनजाति है इसमें बहुपत्नी विवाह प्रथा भी है, यानी एक से अधिक पुरुष पत्नियां रख सकता है। और जैसे ये जनजाति है स्त्रियों को तो संपत्ति में भी अधिकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें जो तलाक लेने का जो अधिकार होता है वो केवल पुरुष को ही होता है, वो ही अपनी इच्छा से तलाक ले सकता है। स्त्री की अगर तलाक लेना होता है तो वो ले नहीं पाती उसमें इस समाज में, ठीक। उसके अलावा जैसे तलाक हो जाता है, जैसे गौण जनजाति है, किसी दंपति का तलाक हो गया है तो जो बच्चे होते हैं उन पे अधिकार पति का होता है ना कि पत्नी का होता है इस जनजाति में। तो ये थी जनजाति का कुछ इनके सामाजिक संगठन। अब सामाजिक संगठन में आगे देखो इसके गांव का जो मुखिया होता है उसे पटेल या मुखादम कहते हैं। गांव का मुखिया जिसे पटेल या मुखादम कहते हैं, ठीक है। ये देखो छोटे छोटे नाम याद रखना, 2 नंबर के में क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसमें फिर देखो आगे, और जो गांव का चौकीदार होता है उसे कोतवाल कहते हैं। गांव का चौकीदार उसे कहते हैं कोतवाल, ठीक है। गांव के चौकीदार को कोतवाल कहते हैं। फिर एक प्रत्येक गांव में एक पुजारी और पुरोहित होता है जिसे देवार कहते हैं। पुजारी और पुरोहित को देखो देवार कहते हैं, ठीक है, देवार कहते हैं। गांव का मुखिया उसे पटेल या मुखादम कहते हैं। चौकीदार को कोतवाल कहते हैं। जो पुजारी या जो पुरोहित होता है उसे देवार कहते हैं। तो ये देखो इनका सामाजिक संगठन है इनका। ये गौण जाति है ये पढ़ रहे हैं हम, इसमें आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो इस जाति से संबंधित जैसे इनका खान पान, भोजन, आर्थिक जीवन, इनकी जो कृषि है, कृषि और वर्तमान शिक्षा का प्रभाव, इस जाति पर वर्तमान शिक्षा का क्या प्रभाव हो रहा है, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।